हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सोशियोलॉजी के पेपर टू में। और जिस तरह से हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, बी फोर का सेकंड पार्ट खत्म करेंगे आज हम। कल हमने पार्ट वन में इंडस्ट्रियल क्लासेस और हमने एग्रेरियन क्लासेस पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं मिडिल क्लासेस इन इंडिया। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इंडिया में क्या क्या कंसर्न्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं मिडिल क्लास से जुड़ी हुई, एंड उसके बाद वेरियस इंस्टीट्यूशंस थिंकर्स क्या कहते हैं मिडिल क्लास के बारे में, सब जानेंगे। आपको जीएस वन में सोसाइटी वाले कंपोनेंट में भी हेल्प मिलेगी ये पर्टिकुलर लेक्चर से। बहुत सारी चीज़ें वहाँ कोट कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये हम बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, उसमें 32 टेस्ट हैं आपके लिए और जिसमें डेडिकेटेड पहले 6 टेस्ट सिर्फ करंट अफेयर्स पर हैं। ऑलराइट, आप उससे फ़ायदा उठाइए, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पर ले जाइए। और बाकी ऑप्शनल भी आप साथ साथ तैयार कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर हमारी वेबसाइट पर पीडीएफ्स वगैरह हमने अटैच करने शुरू कर दिए हैं, आप उनका भी फ़ायदा उठाइए। ठीक है दोस्तों, तो चले करें शुरू बी फोर का पार्ट टू। और हमने जो अपने क्रैश कोर्स में बनाए थे ये लेक्चर आपके लिए और आपके लिए, अब हमने ओपन करने शुरू कर दिए हैं ताकि वाइडर, सभी के सभी वाइडर ऑडियंस का फ़ायदा हो। इस देश में बेस्ट से बेस्ट जो कोचिंग है वो एक एक इंसान तक पहुंचे और बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज आप तक पहुंचाई जाए। ऑलराइट, चलिए शुरू करें। सो वेलकम बैक। तो मिडिल क्लासेस रह गए हमारे पास टॉपिक एक बी फोर में। तो मिडिल क्लासेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको, ये आपको ऐसे में भी यूज़ हो सकते हैं इसके पॉइंट्स यहाँ पर, एंड थोड़ा हॉलिस्टिकली कवर करने की ट्राई करेंगे यहाँ पर। तो और कुछ बीच में थोड़ा सा एक रीडिंग मटेरियल भी है, मैं चाहूँगा कि आप उसको इत्मीनान से पढ़ भी लीजिए। ओके, तो मिडिल क्लासेस, सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करें। देखो, डिफाइन करना मिडिल क्लास, कौन मिडिल क्लास है, अगर हम सबसे जाके पूछें तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल क्लासिफाई देमसेल्व्स एज मिडिल क्लास। ठीक है, कोई अपने आप को बहुत अपर क्लास नहीं कहता, कोई बहुत अपने आप को लोअर क्लास नहीं कहता, मिडिल क्लास। उसको हम सब्जेक्टिव क्राइटेरिया कहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा है उसकी क्लास कौन सी है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया देखेंगे, ऑब्जेक्टिवली कैसे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं फॉर पॉलिसी मेकिंग एक्सेट्रा, तो जैसे एक मैगजीन आती है द इकोनॉमिस्ट, द इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन में यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप ये एग्जाम में यूज़ भी बोल भी सकते हैं कि इकोनॉमिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब ऐसे, अगर वो ऐसे किसी इंसान की, ऐसे किसी परिवार की बात करें जो अगर अपने फूड और शेल्टर पर खर्च करने के बाद अगर 1/3 इनकम बचा ले तो वो मिडिल क्लास है। ठीक है, फूड एंड शेल्टर में अगर पे करने के बाद पैसे बच जाएं कितने, 1/3 ऑफ द इनकम। अगर लेट से 30,000 रुपये सैलरी थी तो 1/3 इज 10,000, 10,000 बच गए तो कितना हुआ, वो मिडिल क्लास कहलाएंगे। देन बीबी मिश्रा, वो डिफाइन करते हैं कि अगर कहते हैं हम अगर देश की मीडियन सैलरी देखें, जिस भी कम्युनिटी की बात हो रही है उसकी मीडियन सैलरी, मीडियन मतलब अगर अगर हमने उसको अरेंज कर दिया एक ऑर्डर में, है ना, फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट, जो सबसे बीच में आता है मीडियन सैलरी, तो मीडियन सैलरी का 25% कम एंड मीडियन सैलरी का 25% ऊपर, तो ये जहां पे जो इसमें ब्रैकेट में लाई करते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं। तो बीबी मिश्रा ऐसे डिफाइन करते हैं। एंड हम उसके बियॉन्ड हम मिडिल क्लास की डेफिनेशन कैसे देख सकते हैं कि जनरली या तो ये इनके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन के ये ओनर्स हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स हैं लेकिन लोअर स्केल पर, बड़े स्केल पर नहीं। हायर क्लास जो है उसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उसके पास बड़े बड़े जो भी अपने जो चल रहे हैं कारखाने या जो भी जो मोड ऑफ प्रोडक्शन जिस भी तरह का है, अगर जैसे एग्रीकल्चर वगैरह जो भी है, तो वहाँ पर उसके पास बड़े स्केल का है। तो जो जो छोटे स्केल वाले या तो छोटे स्केल पर ओन करते हो, अगर छोटे स्केल पर ओन नहीं करते तो अपनी स्किल्ड लेबर सेल करते हो। ठीक है, या तो लोअर स्केल का एमओपी हो या स्किल्ड लेबर हो, क्योंकि अगर देखो, अगर जो छोटे स्केल से ज़्यादा बड़े स्केल वाले होते हैं वो अपर क्लास, जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं वो लोअर क्लास। तो ये मिडिल क्लास को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं वेबेरियन टर्म्स में। ओके, देन अगर देखिए मिडिल क्लास में इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ, तो डीएल सेठ बोलते हैं कि सर चार डिफरेंट फेजेस थे। जैसे पहले वाला वो क्या बोलते हैं, जैसे कॉलोनियल पीरियड में जब टैक्स कलेक्टर्स वगैरह की एक पूरी एक बाढ़ आई, जैसे जमींदार वगैरह, तो वहां पर मिडिल क्लास डेवलप होना शुरू होता है। एंड इसको श्रीनिवास भी इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहें तो ऐड कर सकते हैं हम। वो बोलते हैं जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन में जो टच में आते गए, अकॉर्डिंगली मिडिल क्लास बनते गए। एंड देन इंडियन रेनेसा आती है, जैसे मॉडर्न एजुकेशन, फ्रीडम मूवमेंट वगैरह, उसने और दिए बहुत से, जैसे लॉ ग्रेजुएट वगैरह पढ़ते गए जो और वकालत करते गए, तो वो बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास का पार्ट बन गए। नेक्स्ट लेवल पे जैसे आज़ादी हो जाती है, एंड आज़ादी के बाद जॉब्स, एजुकेशन, रिजर्वेशन सिस्टम, जीआर वगैरह, उससे मिडिल क्लास और न्यूमेरिकली इंक्रीज हो जाती है, मिडिल क्लास में नंबर बढ़ता है। ठीक है, पहले बहुत ही बेचारी बारीक सी मिडिल क्लास है, या तो लोग बहुत अमीर हैं या बिल्कुल गरीब हैं, तो ग्रेजुअली लेकिन बढ़ते जा रहे हैं। एलपीजी के बाद अब सैलरीड क्लास और इंक्रीज हो गई है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज हो गई है।
ओके देन डीबी मुखर्जी बोल सकते हो आप कि इंडियन सिस्टम था कुछ एग्जिस्ट करता, ब्रिटिश सिस्टम आया बिल्कुल उसके अगेंस्ट, कुछ सिंथेसिस जहां पर दोनों मिले वो क्या बन जाता है मिडिल क्लास। अच्छा आइडिया, कोट कर सकते हैं। ओके एंड देन जो एकदम से राइज मिडिल क्लास का क्यों होता है, अगर आप उसके फैक्टर्स देखें तो संस्कृताइजेशन है ना जो हम देखते हैं, और जैसे सोशल लेवल पे देखें तो वहाँ पर एजुकेशन भी आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी आती हैं, LRGR फैक्टर्स हैं, जस्ट कीप देम इन योर माइंड। ठीक है, फैक्टर्स हैं बहुत सारे जो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको पेस्ट एनालिसिस भी कर सकते हो। पेस्ट एनालिसिस करते हैं जैसे आप MBA वगैरह में देखते हो, पॉलिटिकल कॉजेज क्या हैं, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, है ना। चाहो तो उसको पेस्टल बना सकते हो, इसमें ई वैसे एनवायरनमेंट होता है, एल इज लीगल, है ना, ये अच्छा कीवर्ड होता है एक। तो पॉलिटिकल लेवल पे देखें डेमोक्रेसी आ गई, जो उससे लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर जब करेंगे तो अकॉर्डिंगली पॉलिसी जब अपनी फेवरेबल बनेगी मिडिल क्लास का राइज होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लोग अपने तरह के जो उनको चाहिए उस तरह के लीडर्स इलेक्ट होते हैं और वो लीडर्स फिर अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी का भला करते हैं। पॉलिटिकल लेवल, इकोनॉमिक लेवल पे कमर्शलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी, एंड देन सोशल लेवल पे यहाँ पे देखा हमने LRGR और एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब्स मिलने शुरू हो जाती हैं, एजुकेशन लेवल इंप्रूव होता है, वुमेन दे आर कमिंग आउट टू वर्क, है ना। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे आप बोल सकते हो कि एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ रही है, सर्विसेज आ रही हैं। एनवायरनमेंट के लेवल पे देखें तो एज सच पॉइंट निकालने थोड़े से ऑब्स्क्योर हो जाएंगे तो ट्राई जबरदस्ती नहीं करेंगे। एंड देन आएंगे लीगल लेवल पे आप बोल सकते हो, अगेन यू कैन कोट रिजर्वेशन, है ना। रिजर्वेशन के आने से काफ़ी मिडिल क्लास काफ़ी डाइवर्स हो गई, है ना। और उसके बाद लीगल लेवल पे बोल सकते हो कि इक्वालिटी ऑफ इनकम की बात हो रही है कहीं ना कहीं वुमेन मैन में, चलो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ लेकिन हो सकता है। तो इसलिए मिडिल क्लास के राइज के आप कुछ कारण दिखा सकते हो वेरियस आस्पेक्ट पे, और पॉइंट मिले तो और ऐड कर देना। तो मैं तो आपको ब्रॉडर फ्रेमवर्क देने की ट्राई कर रहा हूँ। बीबी मिश्रा बुक भी लिखते हैं मिडिल क्लासेस इन इंडिया, और वो बोलते हैं कि मिडिल क्लास जो है पर्टिकुलरली वो कैसे थी, वो जो रूल्ड लोग थे और जो रूलर्स थे, रूल्ड एंड रूलर्स के बीच का इंटरलिंक थी, कहीं पर एक लिंक थी इन बिटवीन। एंड देन संजय जोशी क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे प्रोपगेशन हुई मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ की, मिडिल क्लास हेट्रोजेनिटी एक एट्रीब्यूट बन गया, हेट्रोजेनस हो गई, बहुत सारी विभिन्न विभिन्न तरह के लोग थे, ऐसा नहीं था सिर्फ एक ही तरह के कास्ट के या एक ही रीजन के, वेरियस रीजन के लोग एंड और बहुत ही तरह के कास्ट बैकग्राउंड, रिलीजन बैकग्राउंड, तो वो मिडिल क्लास का पार्ट बनते गए क्योंकि मॉडर्न वैल्यू से सभी को करीब लाती गई ना, सेकुलरिज्म वगैरह, एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, तो इसी से मिडिल क्लास हेट्रोजेनस होती गई हमारे देश में। और उसके बाद जो ऑनद्रबेते क्या बोलते हैं, ऑनद्रबेते इज द कूलेस्ट गाय ever see in our social, वो क्या बोलते हैं कि सर आप कैसे बोल सकते हो कि इस तरह से ये तीन है, ये दो है, ये एक है आप, तो इसलिए ना जैसे वो मार्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं एक तरह से इकोनॉमिक नहीं सर, तीन तरह से कर सकते हैं, कास्ट, क्लास, पार्टी, है ना। एंड अकॉर्डिंगली हर चीज़ के वो मल्टीपल बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि सर अभी बहुत डिफिकल्ट है कैरेक्टराइज करना क्योंकि हमारी अभी स्टिल इन्फॉर्मेशन है, अभी ट्रांजिशनल मिडिल क्लास है हमारी, तो अभी स्टेबल फॉर्म तो भी हुई नहीं इसकी, तो अभी स्टेबल फॉर्म नहीं हुई तो अकॉर्डिंगली हाउ कैन वी से कि दीज आर द एट्रीब्यूट्स। ओके देन लेकिन योगेंद्र सिंह क्या करते हैं, वो ओल्ड एंड जैसे सॉरी रूरल एंड अर्बन मिडिल क्लास में डिफ्रेंशिएट करेंगे। वो क्या बोलते हैं कि देखो रूरल और अर्बन मिडिल क्लास में सिमिलैरिटी क्या है कि कॉन्जर्वेटिव है एंड यूटिलिटेरियन इथोस है, मतलब कि जिस चीज़ की यूटिलिटी है, जिस चीज़ का फायदा है उसको रखते हैं, जिस चीज़ को नहीं फायदा नहीं रखते, इवन दैट इंक्लूड्स आर किन्स रिलेशनशिप, हमारी रिश्तेदारियाँ, ठीक है, जो किनशिप कितने चाहते हैं कितने नहीं चाहते, वो मिडिल क्लास काफ़ी यूटिलिटेरियन है। डिफरेंस क्या है, जो रूरल मिडिल क्लास है वो वहाँ पर और वो अर्बन मिडिल क्लास है थोड़ा सा तो नफरत करती है, एंटेगनाइज्ड है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में भी है, वो कह रहे हैं हिस्टोरिकल रीजंस हैं क्योंकि पर्टिकुलरली जैसे अभी देखें वो कहते हैं क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में स्लो डाउन है, इन शहर बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं एंड जो गांव है वो इतना तेजी से ग्रो नहीं करते, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, एजुकेशनल सर्विसेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो दोनों अगर सेम लेवल पर ऑफ इनकम पर हैं रूरल एंड अर्बन, तो अर्बन वालों को सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं, तो इसे कहीं ना कहीं एंटेगनाइज्ड हैं एंड इसीलिए योगेंद्र सिंह जैसा मानते हैं। एंड देन वो कहते हैं पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में जहाँ जहाँ पे अंडर डेवलपमेंट भी थी वहाँ वहाँ पर भी मिडिल क्लास आई एंड उसके बाद मिडिल क्लास थोड़ा और वहाँ पर जब अब जो पर्टिकुलरली हमने पहले पढ़ा भी था कि जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे गांव वगैरह में लोग अमीर होने शुरू हुए, मिडिल क्लास बनने शुरू हुई उसके बाद वहाँ पे, लेकिन एज सच जो पर्टिकुलरली जैसे आप इमेजिन कीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं जैसे शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पे पैसा आ रहा है लेकिन उसको खर्चने की जगह ही नहीं आ रही, तो यहाँ बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए एंटागनिज्म बढ़ता है, दुश्मनी धड़े जैसे जैसे वो हॉस्टिलिटी बढ़ती है। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है ना कि अब गाँव में जो लोग अमीर हो रहे हैं वो पैसा नहीं खर्च रहे, बिल्कुल डेफिनेटली दे स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड दे स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, उसको कॉन्स्पिकुअस मनी बोलते हैं, जैसे ऑन देयर वेडिंग्स, है ना, अपने ट्रैक्टर अच्छे अच्छे खरीद रहे हैं, तो वो तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर एक हम जो यहाँ पे पॉइंट टू नोट इज एंटागनिज्म, ठीक है, एंड कॉन्फ्लिक्ट ये बड़ा। ओके
कंटेम्प्रेरी टाइम्स में अगर देखें तो जो मिडिल क्लास है अभी कंप्लीटली, ऐसा नहीं कह सकते मॉडर्न है, हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है, कंप्लीटली मॉडर्न नहीं है। एंड देन उसके बाद लेकिन यहाँ पर जो अपने जो सामान जो ही कंज्यूम करते हैं वो काफ़ी मॉडर्न नज़र आता है, ठीक है, इसीलिए। एंड एक और जो आस्पेक्ट हमें पता लगता है कि मिडिल क्लास काफ़ी कंज्यूमरिस्ट है, काफ़ी यहाँ पर ये जो सामान बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑन देमसेल्व्स, एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑन लेट्स से द एजुकेशन, द किड्स एजुकेशन, एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑन वेरियस अदर थिंग्स जो कि नॉर्मली जो कि लोअर क्लास में जब अगर होते थे वो खर्च नहीं कर सकते थे। एंड मिडिल क्लास में भी सेविंग हैबिट्स के अपार्ट स्पेंडिंग हैबिट्स आर वेरी वेरी वैसे प्रोमिनेंट दिखती हैं मिडिल क्लास में। हम आगे पढ़ेंगे भी कि इसीलिए एक ही कारण भी है कि मिडिल क्लास कितनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो मिडिल क्लास अगर खर्चा ही नहीं करेगी, मिडिल क्लास अगर जेब से पैसे नहीं निकालेगी, तो जो कैपिटलिस्ट हैं, जो अपर क्लास है, अपर क्लास अमीर कैसे बनेगी? यू गेटिंग इट? कि मिडिल क्लास स्पेंड करती है, मिडिल क्लास अगर कंज्यूमरिस्ट है तभी अपर क्लास कुछ सामान बनाती है एंड उसको वो बिकता है, अमीर रहती है वो। तो डिपेंडेंसी भी है मिडिल क्लास को, इसीलिए बोलते हैं कि इसने अपर क्लास को अपने आप पे डिपेंडेंट कर लिया है। कैन यू इमेजिन इट कैसे कि कंज्यूमरिस्ट होकर? ओके ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या और क्या, जैसे मैन अभी भी कहते हैं लेकिन मिडिल क्लास में जो एक मैन, मतलब जो एक नॉट मैन ह्यूमन बींग वाला मैन, वुमन वाला मैन, मेल, ठीक है, मेल अभी भी ब्रेड विनर है। एंड जो वुमेन की इमेंसिपेशन, मतलब आज़ादी की बात हुई है लेकिन बहुत सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल मतलब कि ऐसा है कि हाँ कि आपको आज़ादी है, जो पहनना है कपड़े पहनो, वो भी चलो प्रॉपरली अभी इतना इनकलकेट नहीं हुई है, हाँ कि ठीक है बाहर जाके जॉब कर सकते हो, लेकिन अभी भी माँ बनना सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है वहाँ पर, घर के काम करना सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, वुमन की। तो इसीलिए सुपरफिशियल इमेंसिपेशन बोलते हैं कि औरतें हाँ डेफिनेटली आज़ाद हुई लेकिन काफ़ी सुपरफिशियल लेवल पर। ऑल राइट, तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि अभी स्टेबल फॉर्म नहीं आई है मिडिल क्लास की, इसलिए मॉडर्न कहना इसको कि मिडिल क्लास क्या मॉडर्न क्लास भी है? नो, वी आर नॉट श्योर, ठीक है, हमारे पास अभी एविडेंस उसके खास फेवर में नहीं है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको टर्म्स हैं, ये दोबारा मैं रिपीट करूंगा 2-3 बार ताकि दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, घुस जाए। जैसे राजेश कोचर आके लिखते हैं कि जो मिडिल क्लास है वो काफ़ी डीनेशनलाइज होती है, वो उस वो अपने जैसे हमने पढ़ा था अभी पहले कि वो यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट में देखती है। जैसे लेट्स से मिडिल क्लास के मैक्सिमम लोग हैं जो जिनके बच्चों ने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग करके जॉब लग गई अमेरिका में आईटी कंपनीज में एंड अमेरिका से वापस नहीं आए कभी, क्यों? ऐसा नहीं है ना कि अमेरिका की अगर देशभक्त हैं मान लो तो देश छोड़ के नहीं जाने चाहिए थे आइडियली, लेकिन यूटिलिटेरियन वो क्या बोलते हैं कि हमने एजुकेशन ली, हमने अच्छा किया तो नाउ हमें यूएस में अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वी आर सिटिंग इन यूएस, ठीक है, दैट्स इट। तो नेशन को एज सच वो कन्फ्यूज नहीं करते इस चीज़ से कि अच्छा कि हमें यहाँ रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए। तो इसलिए ये क्या इनको क्या बोलते हैं राजेश कोचर, डी नेशनलाइज्ड, कि ये नेशन से बियॉन्ड चले गए हैं अभी, मिडिल क्लास एकदम आप समझो कि बिल्कुल सही सब सुलझी हुई क्लास है। तो लेकिन आप कहते हैं जैसे जो अमीर है बहुत ज्यादा, वो अमीर एक पर्टिकुलर कारण से है जहां पर है, लेट्स से अगर बुर्जुआ अगर वो लैंड ओनर है तो उसकी जमीन है यहां पर या उसकी फैक्ट्री है यहां पर, तो वो छोड़कर नहीं जा सकता, वो काफी नेशनलिस्ट रहता है। तो लेकिन जो मिडिल क्लास है सिंस वो वेज अर्नर होती है, वो पैसे कमाती सैलरी से, तो मिडिल क्लास इसलिए काफी डीनेशनलाइज होती है। अब मैकडॉनल्ड है वो आगे एग्जांपल है, वो कहते हैं कि इंडियन मेन्यू सर्व कर रही है मैकडॉनल्ड, है ना, आपको आलू टिक्की मिलती है, वो यूएसए में नहीं मिलती या फिर यूरोप में जाओगे वहां नहीं मिलती, क्योंकि इंडियन के हिसाब से मिडिल क्लास की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, देखो अब मैकडॉनल्ड्स में अपर क्लास नहीं जाएगी जनरली, लोअर क्लास मैकडॉनल्ड्स से थोड़ा सा एवर्स रहेगी क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, आप यू नो यू जस्ट कैन नॉट रियली, क्योंकि आपने इसे देखा भी होगा शायद कि वो बिहेवियरल इशू ही रहता है कहीं ना कहीं, जो लोअर क्लास है वो जाते ही नहीं ऐसी जगहों पे, वो उनकी बहुत जगहों पे तो ऐसा होता है एंट्री ही नहीं हो पाती, दैट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था एंड बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट था वो, वहाँ पर जैसे दे वॉज अ गर्ल जो हमारे साथ यहाँ पे हमारे घर पर काम करते थे एंड हमने उनके साथ हम कैफे डे गए, तो वहाँ पे कैफे डे में गए शी कुड नॉट ऑर्डर, वहाँ हमारे साथ थी यानी शी फेल्ट अ लिटिल अनकंफर्टेबल एज वेल स्टिल, तो लेकिन उसके बाद ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे वो क्योंकि उनको पता ही नहीं ऑर्डर कैसे करना है। तो देख रहे हो वो चाहे उनको कैफे डे वाले कोई ऐसा नहीं मना नहीं कर रहे आगे बैठो ना बैठो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो खुद ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रही एंड कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही कि मैं इस सिचुएशन को इस पर्टिकुलर जो सिचुएशन में आई डू नॉट बिलोंग। तो इसीलिए लोअर क्लास ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाती है, खुद को एक्सक्लूड कर लेती है एंड बाकी बहुत बार तो ऐसा होता है कि सिचुएशन एक्सक्लूड करवा देती है एंड अपर क्लास इन जगहों को विजिट नहीं करती।
कंट्री. तो जैसे जितने भी कैफे डे जो आपके ये वो एटसेट्रा जितने भी खुले हैं, दे दीज आर ऑल फॉर दे ऑल फॉर होम फॉर कंज्यूमरिस्ट मिडिल क्लास. ठीक है, तो इसीलिए मैकडोनल्ड ने इंडियन मेन्यू निकाला ताकि मिडिल क्लास को सर्व कर सके. उसने अपने जो वहाँ पर जो इट्स अ बिजनेस थिंग, दैट्स इट. तो इसीलिए हम पढ़ते हैं बार बार, जो बुर्जुआ है मतलब जो कैपिटलिस्ट है वो मिडिल क्लास पे बहुत हैवीली डिपेंडेंट है क्योंकि वो पैसे खर्चती है मिडिल क्लास. एंड देन सुहाष पालचीकर इवन ही राइट्स ये वाली बात, बुर्जुआ क्लास जो डिपेंडेंट है बहुत हाईली, डिपेंडेंसी लेवल इज वेरी हाई मिडिल क्लास पे क्योंकि स्पेंडिंग पावर है मिडिल क्लास के पास. ठीक है, तो ये बातें दिमाग में रखनी है, मैं रिपीट भी करूंगा बाद में. अब ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास एक ऐसे था, उसको आगे उस पर कुछ कुछ पॉइंट्स हमारे पास, उसमें वो क्या बोलते हैं कि ना कि पॉलिटिकल रिपरकशन होने वाले हैं कि जितना जितना मिडिल क्लास बढ़ेगा, क्योंकि एजुकेशन और अवेयरनेस साथ लेके चलती है मिडिल क्लास. मिडिल क्लास को एस्पिरेशनल क्लास भी कहा जाता है, बहुत ही एस्पिरेशनल होती है, इनका बड़ा ही मन होता है कि हम जल्दी से अपर क्लास बन जाएं. तो एंड यही जैसे कारण है, इसलिए बोलते भी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत ही एस्पिरेशनल थी और मिडिल क्लास के पास एजुकेशन थी लेकिन जॉब या अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो उन्होंने आजादी की जंग भी लड़ी, ऐसा माना जाता है. दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स कि मिडिल क्लास ने किस तरह से INM में लीड किया, तो क्योंकि एस्पिरेशनल थी एंड रेस्टलेस थी, तो इसीलिए जब ये होगा ऐसा पॉलिटिकल रिपरकशन होंगे ही होंगे इसी के. तो एंड हमारे पास जो अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का जो हमारा नेशनल काउंसिल है वो बोलते हैं 2005 में इनके हिसाब से 5% मिडिल क्लास थी, देन 20 हो गई, 25 में पहुंचते ऑलमोस्ट 40% के आसपास मिडिल क्लास होने वाली है देश में. तो पॉलिटिकल रिपरकशंस बहुत हाई होने वाले हैं इसके. एंड सरकारें अदरवाइज जो पहले लोअर क्लास को या अपर क्लास को ही जो टारगेट करती थी, अब ऐसा नहीं कर सकती, दे जस्ट कैन नॉट इग्नोर मिडिल क्लास. ओके, देन अब हमारे पास यही कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं, तो इनको ना ये आर्टिकल को एक बार पढ़ लीजिएगा. ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आइडिया मिलेगा, SCM लिखने में काम आ सकता है कहीं भी. और वैसे हाँ, ऐसे की एक और क्लास अपलोड हो गई है, तो जाके दोस्तों वो देख लेना है, SA वाला जो सेशन में आपने जो एनरोल किया बहुत लोगों ने. तो क्योंकि SA लिखना एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आप ना बहुत ऐसा नहीं कर सकते कि ना कि खुद को मैं ऐसा सीख लूंगा, मैं पॉइंट याद कर लूंगा. SA जस्ट फ्लोज, ऐसे में कहानी सुनानी है आपने बहुत ही अच्छी. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें बहुत बच्चों को पहले ही बताता हूँ. ऐसे हमेशा कैसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए मुन्ना भाई MBBS के जैसे, जो मुन्ना भाई MBBS थे वो जो गांधीगिरी करते थे. दिस इज़ वन पर्टिकुलर एग्जांपल जो मैंने शायद अनगिनत बार दिया होगा एंड माइट हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल. तो ये इसमें वही बोलते हैं, मुन्ना भाई MBBS में गांधीगिरी करते हुए बताया जा रहा है आपको. एंड एक बार भी ऐसा नहीं है हाई फाई वर्ड यूज़ नहीं हुआ, स्वराज यूज़ नहीं हुआ, सत्याग्रह यूज़ नहीं हुआ, लेकिन तब भी एवरीबडी गॉट टू नो व्हाट गांधी is. ठीक है, तो ये क्या है, एग्जाम्पलीफिकेशन, ऐसे अच्छे एनेक्डोट्स, कहानियां. ठीक है, आप कोट्स आपके पास, सिंस थोड़ा सा एकेडमिक एग्जाम है, हम इतने भी जैसे हम बिल्कुल ना बिल्कुल ऐसे ऐसी ऑडियंस को भी केटर नहीं कर रहे जो बिल्कुल इसको दिमाग नहीं होगा, है ना. तो इसलिए आपके जो आपका एग्जामिनर चेक कर रहा है दिमाग वाला आदमी है, बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी है. यू कैन कोट गुड एग्जाम्पल्स, यू कैन राइट गुड वर्ड्स, यू कैन ऑलवेज एक्सप्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली. ठीक है, थॉट कलेक्ट कीजिए एंड थॉट को चार पांच एग्जाम्पल लेके, एंड सर आपको पढ़ा रहे हैं, आई हैव नेवर सीन एंड आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट, आई हैव नेवर सीन एंड अ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सप्रेसिव पर्सन देन हिम. ही इज़ वेरी एक्सप्रेसिव एंड ही इज ऑलवेज बिन गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन एसेज. और इसीलिए उनसे सीखिए जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. 250 नंबर का है, बच्चे रियलाइज नहीं करते. 250 मार्क्स की ऑप्शनल का एक पेपर होता है, GS 1, 2, 3, इतने ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है. SA में 250 मार्क्स का एग्जैक्ट, 250 मार्क्स एंड मेरे हिसाब से ईजीएस्ट, जहाँ पे लोग 160, 168, 170, लास्ट ईयर ही हिमसेल्फ स्कोर्ड 168 मार्क्स एंड इनके स्टूडेंट 165 मार्क्स. तो लाइक ही इज वन ऑफ दोज गाइज कंसिस्टेंटली गेटिंग वेरी गुड मार्क्स, ही इज हेल्प्ड अस गेट गुड मार्क्स. मैं आपको इसलिए इतना ओवर सेल कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सीरियसली लें मुझे. एंड जो क्लासों में सर बता रहे हैं, एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, आपको पर्टिकुलर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, वो थोड़ा सा बस थोड़ा सा साथ साथ कर लेना. ठीक है, मोर देन एनीथिंग एल्स आप सिर्फ उस पर फोकस कीजिए. एंड उसको उसमें जो छोटे छोटे आपको टास्क मिल रहे हैं, जो कहानी सुनाई जा रही है, प्रताप भानु मेहता के आर्टिकल्स बताए जा रहे हैं, तो सुन लीजिए बस. ठीक है, दैट्स इट. थोड़ा और उसके बाद प्रैक्टिस करके अगर थोड़ा सा हाथ हिलाएंगे एंड जाके 3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, पक्का ही पक्का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा. कम से कम आपके 50 से 60 नंबर बढ़ सकते हैं मेंस में. ठीक है, 50 से 60 मतलब हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल पीछे वाली कोई सर्विस से लेके हो सकता है IAS होम कार्ड. ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं, यही मेंटरशिप कहलाती है, यही सब कुछ कहलाता है. पढ़ने वाले बच्चे दुनिया में 1000 से भी कितने ज़्यादा होंगे. ठीक है, 1000 बच्चे लेकिन सिलेक्ट होते हैं, 880 वैसे इस बार 780 हैं. तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, मेंटरशिप का. थोड़ा मेंटरशिप का भी थोड़ा ध्यान रखिए. ठीक है, इसको इग्नोर मत कीजिए. एंड आई रियली विश कि
कि कभी मुझे मैं अपनी तारीफ में दो शब्द कह रहा हूँ, लेकिन कि मुझे अपने ऐसे कोई मेंटर मिला होता तो बहुत बहुत जल्दी एग्जाम भी क्रैक हो जाता, क्योंकि क्योंकि पता होता है कि आप कि कौन सी चीज़ करने से फ़ायदा होगा, कौन सी से फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आप पिन पॉइंट नहीं कह सकते कि हाँ ये पेपर में एग्जैक्ट आएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये वाला पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ने से, ये वाले पर्टिकुलर बुक पढ़ने से फ़ायदा होगा, इतना कह सकते हैं। ठीक है, तो यही मेंटरशिप होती है। बाकी तो मेहनत करने से कोई बनाने कभी नहीं करेगा ना, ऐसे नहीं बोल रहे ना मेहनत नहीं करनी, मेहनत करनी है, दैट्स इट। पेपर बहुत नज़दीक है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा पुश कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें जहाँ पे अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं वो कीजिए, लिखना शुरू कीजिए फुल लेंथ पेपर जो आपको जीएस के हैं। बाकी सोशो वगैरह क्योंकि अकेडमिक होती है, जो ऑप्शनल आपका इसलिए रखा हुआ है यूपीएससी ने कि बिल्कुल ही सुपरफिशियल ना बन जाए हम, थोड़ा सा हम रहें अकेडमिक भी। ऑप्शनल आपका अकेडमिक होता है, ऑप्शनल आप नंबर बनाओगे, अच्छे नंबर आएंगे। पेपर टू मैं जहाँ तक मैं बिल्कुल एक से एक एग्जांपल आने की ट्राई कर रहा हूँ, दुनिया भर के नोट्स आपके लिए यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो मतलब नंबर आएंगे आपके, दैट सेट, और क्या, और मतलब दुनिया में इससे बड़ा और क्या ही आपको चाहिए इस वक्त। ठीक है, तो पढ़िए, ठीक है, दैट्स इट, एंड लिखिए, तीन तीन घंटे वाले पेपर लिखिए, तीन घंटे पाँच मिनट मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जाके ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। आदत पड़ जाती है एक बार 3 घंटे 10 मिनट 3 घंटे 20 मिनट करने की, तो उसका रिपरकशन इज नॉट वेरी कंड्यूसिव। तो 3 घंटे का मतलब 3 घंटे वहीं रोक दीजिए, दैट्स इट, डू नॉट राइट अ सिंगल वर्ड एक्स्ट्रा। तो उसमें देखिए उसी में कितने नंबर आते हैं, और कई बार ऐसे लोग कहते हैं मैं तो इवैल्यूएट कराने के लिए आई रोट एक्स्ट्रा दिस एंड दैट, तो डोंट डू दैट, 3 घंटे ही लिखिए, दैट्स इट। ठीक है, चलो वापस आते हैं, थोड़ा सा भावों में बह जाने की आदत है ना, टीचर होने का ये थोड़ा नुकसान भी है। ओके, तो यहाँ पर अब वो बोलते हैं कि मिडिल क्लास है जो अकॉर्डिंगली किस तरह से राइज हो रही है एंड क्या क्या उसके फ़ायदे होंगे, एंड फैमिली मैरिज विमेन स्टेटस, ये पर्टिकुलर चीज़ है। आई रियली वांट यू ऑल टू रीड दिस, एक पेज है, एक पेज पढ़ने से कोई कतरा नहीं सकता यहाँ पर। ठीक है, आपने ये पढ़ना है कि किस तरह से वेडिंग सेरेमनीज एक्सेट्रा क्या क्या कैसे कैसे बदल रही हैं, इमेंसिपेशन की बात हो रही है, यहाँ पॉइंट्स अंडरलाइन तक भी कर दिए हैं, बट यू हैव टू रीड इट। तो मैं यहाँ पर आपके लिए कॉन्क्लूडिंगली लिख रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ोगे एक बार चेक करना कि कॉन्क्लूड क्या आप भी करते हो, इसके सिवा भी और कोई पॉइंट्स हैं तो डू राइट दैट। जैसे मैरिज मदरहुड अभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है, मैन अभी भी ब्रेडविनर है, उसके सिवा यहाँ बहुत सारी और चीज़ें मैंने लिखी हैं, बिकॉज आई वांट यू टू रीड, एक पेज है तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपने। ओके, एंड वुमन का रोल, जो एक पर्टिकुलर वुमन का रोल क्या है, मैन का रोल क्या है, वुमन अभी भी जैसे वुमेन को नर्चरर माना गया, मैरिजेज सेमी अरेंज होनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, एंड जैसे टोटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अब अभी भी अरेंज ही रहती हैं, लेकिन नहीं, सेमी अरेंज होने शुरू हो गई हैं। सेमी अरेंज का मतलब क्या होता है, पहले क्या होता है कि पेरेंट्स एंड पेरेंट्स मिलते थे, बच्चों को बोलते थे शादी करनी है, अब क्या हो रहा है कि पेरेंट्स में सन की कॉन्सेंट तो है बिल्कुल, किसान अगर मना कर दे तो बात नहीं होती, एंड यहाँ पे पेरेंट में अगर डॉटर की कॉन्सेंट मेजरली पूछी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि रिकग्नाइज ही रहे, कि हमेशा रिकग्नाइज हो, सन की कॉन्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जहाँ सन एंड डॉटर बोलेंगे कि सर पापा मम्मी को कि हमें तो आपस में इसी तरह शादी करनी है, दैट्स इट, मेजर लेवल पे होगा, अभी हो रहा है नहीं, इट हैज़ बीन हैपनिंग एवर सिंस, तो लेकिन अभी जब मेजर लेवल पे होगा तो हम सोशोलॉजिकली बोलेंगे कि कॉन्सेंट अब कहाँ पे, अरेंज मैरिजेज अब बिल्कुल लुप्त हो गई हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। मेजरली आप इतनी सारी वेबसाइट्स देखते हैं दुनिया में जो बनी हुई हैं, दे आर अ बिग बिग प्रूफ कि अरेंज मैरिजेस अभी भी बहुत ज़्यादा वाइडली प्रेवलेंट है, लव मैरिजेस भी हो रही हैं, हम होती रही हैं हमेशा से, तो लेकिन हाँ नंबर है, नंबर डेफिनेटली हैज़ इंक्रीज, बट नो, अरेंज मैरिजेस अभी भी नॉर्म है देश में। इंटरकास्ट अलाउ होनी शुरू हो गई है हमारी मिडिल क्लास में, क्योंकि मिडिल क्लास में क्लास कंसिडरेशन हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्लास की सिमिलर क्लास होनी चाहिए, ठीक है, एंड इसी कारण से अब इंटरकास्ट मैरिजेज भी नज़र आती हैं हमें, एंड देन उसके बाद अभी लेकिन वुमेन अभी स्टिल दे आर सीन अपेंडेजेस, अपेंडेजेस मतलब कि मैन जो है, जो मतलब मेल है, उसकी ड्यूटी है रक्षा करना एट्सेट्रा, एंड जैसे मान लो कि अब मतलब सिंपल एग्जांपल है, आप क्योंकि ऐसे आपको एग्जांपल दूंगा आपको चीज़ें याद रहेंगी, समझ आएंगी, जैसे लेट्स से कि कहीं कोई कोचिंग पढ़ने जा रहा है, लेट्स से कोई 8th class का 9th class का बच्चा, 10th class का, अब 10th class का इमेजिन कीजिए, देर इज अ गर्ल 10th class की एंड देर इज अ बॉय, तो वेरी हाई लाइकलीहुड है कि जो लड़का होगा वो इंडिपेंडेंटली जा रहा होगा अपने साइकिल पर जैसे भी, लेकिन लड़की को शायद मोस्ट लाइकली पेरेंट्स ड्रॉप कर रहे होंगे, लेट्स से IIT JEE जो भी कोचिंग होती है आपकी 11th class की, उसको इमेजिन कीजिए, तो जो लड़की को पेरेंट्स ड्रॉप कर रहे होते हैं, लड़के या लड़का खुद से जा रहे होते हैं, तो ये क्योंकि अभी भी जो वुमेन है दे स्टिल कंसिडर्ड अपेंडेजेस टू मैन, कि ठीक है कि जो मैन के साथ ही दे आर सेफ,
एंड उसके बाद हायर एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन एम्फेसाइज हो रही है वेमेन में. हायर एजुकेशन अभी भी इट्स नॉट अ नॉर्म, अभी नॉर्म नहीं है कि हायर एजुकेशन होगी ही होगी. जितनी जितनी हायर एजुकेशन अगर एक परिवार में लड़के की देखी जाती है, सेम परिवार में अभी भी मिडिल क्लास की बात हो रही है, वहाँ पर वेमेन की या फिर डॉटर की नहीं देखी जाती उतनी ही इक्वलेंट लेवल की. बट येस, एक आपने बात की एम्फेसाइज करनी है कि एजुकेशन तो एम्फेसाइज हो रही है मिडिल क्लास में, मेजरली हो रही है. ठीक है, ओके. और आपको कुछ डायमेंशन देना चाहता हूँ मैं यहाँ पर इसके बियॉन्ड. ठीक है, आपको ना इसमें से मैं आपको अगेन यहाँ पे बता चाहता हूँ बताना, इसमें से आपको एक सवाल का जवाब मिल सकता है जो आपको शायद एग्जाम में दिख जाए. ओके, एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ बातें, जैसे अब ओल्ड मिडिल क्लास वर्सेज न्यू मिडिल क्लास आपको पूछ लें. पहले क्या थे, स्मॉल मैन्युफैक्चरर थे, आर्टिसंस थे, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स थे ना, जो लॉयर्स वगैरह. अब क्या हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए टेक्नोक्रैट्स आ रहे हैं. आईटी वालों ने देश को भर दिया है. कितने सारे मिडिल क्लास के लोग हैं जो आईटी से जुड़े हुए हैं, सैलरीज इंक्रीज हुई एंड लेवल इंप्रूव हो गया. एंड देन ब्यूरोक्रैट्स, इतनी एकदम से ब्यूरोक्रेसी कितनी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी हमारे देश में इंक्रीज हुई. ब्यूरोक्रेसी मल्टीपल लेवल पर, नॉट ओनली सरकार में ब्यूरोक्रैट्स कहाँ पर हमारे इंक्रीज हुए, इवन कॉरपोरेट सेक्टर में एंड वाइट कॉलर एम्प्लॉयज, उसी कारण से मैनेजर्स वगैरह एकदम से बहुत ज्यादा आते हैं. एंड उसके बाद है ना, जैसे व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज में यू कैन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट जॉब्स टू बैंक्स, सभी तरफ जो ऑन इंडस्ट्रियल जो हुआ, जीडीपी हमारी इतनी बढ़ गई, उसके कारण से बहुत जो यहाँ पर व्हाइट कॉलर जो मैनेजर्स की एक थोड़ी सी बाढ़ आई छोटी सी, जिसके कारण बहुत सारे हमारे यहाँ पर क्या बने, मिडिल क्लास जो प्रोफेशनल्स एंड फैमिलीज का राइज होता है. देन मिडिल क्लास के थोड़े फीचर्स और देख लेते हैं कि ग्रोथ इन नंबर बहुत ही ज़्यादा ट्रमेंडस है, सडन है. आज़ादी तक बिल्कुल कांस्टेंट चल रहे थे, आज़ादी के बाद सडनली, एंड अभी पोस्ट एलपीजी तो इट इज़ सडन, इट इज़ वेरी ट्रमेंडस. बहुत तेज़ी से मिडिल क्लास बढ़ रही है, उससे क्लास स्ट्रक्चर बदल रहा है. पहले या तो लोग अमीर हुआ करते थे या गरीब, अब तीन क्लासेज आ गई हैं एंड बीच वाली क्लास इज बिकमिंग हैवियर. ऊपर वाली एंड छोटे वाली आर श्रिंकिंग, बीच वाली इज बिकमिंग हैवियर. हमने पढ़ा भी NCAER का डेटा, वो कह रहा है 40% हो जाएंगे 2025 तक. एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, सारे लीगल सभी चेंजेस ये जो आगे आगे, क्योंकि एस्पिरेशनल क्लास है, इन सभी चेंजेस में ये स्पीयर हेड करते हैं मिडिल क्लास. एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पॉलिसीज़ की, पॉलिसीज़ अब मिडिल क्लास को लेके, मिडिल क्लास वुमेन को लेके, उन सब को लेके बनाई जाती हैं. तो इसीलिए क्योंकि वोकल क्लास भी है, बहुत वोकल है, थोड़ा सा अगर इनकी एस्पिरेशन मीट नहीं होती तो ये बहुत शोर मचा देते हैं. तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है पॉलिसीज़ की, अब सोशल सिक्योरिटी की बात भी होने शुरू हो गई है. एंड अकॉर्डिंगली आप देखते हैं जैसे कि जो गवर्नमेंट भी बहुत सारे जैसे स्टेप्स उठा रही है, कि जैसे आपने देखा होगा कि पेंशन स्कीम ये वो वगैरह बहुत तरह की लॉन्च की गई हैं. एंड कंसिडरिंग सिर्फ और सिर्फ, ये पहले ऐसे हुआ करता कि बहुत ही या तो बहुत ही गरीब है उनके लिए, एंड या फिर अदरवाइज जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे वो बहुत हाई फाई प्रोडक्ट्स है. अब क्या हुआ है, प्रोलीफरेशन हुई है, एकदम से बढ़ गए हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल, जो अगर आप देखते हैं जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप जो है वो वाला सभी कुछ, ये क्या चीज़ें हैं, ये मिडिल क्लास को टारगेट कर रही हैं. मिडिल क्लास को जो आपकी ईएमआई की बाढ़ आई है, अमीर आदमी को ईएमआई नहीं चाहिए होता, गरीब वैसे सोचता भी नहीं है. तो ये सभी चीज़ें किसकी बात हो रही है, पॉलिसीज जो चाहे सरकारी हो, पॉलिसी चाहे कॉरपोरेट हो, ये मिडिल क्लास ने ट्रांसफॉर्म कर दी है, सोशल क्योंकि रेवोल्यूशन है एक तरह का. एंड देन उसके बाद आप ये जो फीचर्स के बाद अगर आप चाहो तो और भी बातें लिखना यहाँ पर, जो हमारे पास जो मिडिल क्लास के जो रोल क्या क्या रहा सोशल चेंज में. ठीक है, जो हमने थ्री आईज पढ़े थे योगेंद्र सिंह के, इनिशिएटर, इंडिकेटर एंड इंटीग्रेटर, बार बार पढ़ेंगे ये आईज, ठीक है, तो याद हो जाएंगे. इनिशिएटर मतलब ये पर्टिकुलरली इनिशिएट करते हैं क्योंकि एस्पिरेशनल क्लास है. एंड जैसे जैसे मिडिल क्लास बढ़ती है, मिडिल क्लास जितना बढ़ेगी इंडिकेटर है कि आपके यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही है. एंड इंटीग्रेटर, क्योंकि अपर क्लास एंड लोअर क्लास में थोड़ी सी दुश्मनी ज्यादा है, तो मिडिल क्लास आगे कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करती है एंड हॉस्टिलिटी रिमूव करती है, एक तरह का सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करती है. ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन का एजेंट है, स्टेबलाइजिंग फोर्स है, एंड फ्रीडम मूवमेंट में बहुत रोल निभाया. सोशल चेंज एस्पिरेशनल है ना, इसलिए सोशल चेंज थ्रू व्हाट, थ्रू प्रेस, मीडिया, लॉ, मेडिसिन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सोशल एक्टिविज्म, जैसे भी आप चाहें जानना. तो ये बहुत तरह से इस मिडिल क्लास इसको लीड कर रही है. एंड अगेन इफ वी कोट बीबी मिश्रा, वो क्या बोलते हैं कि जो मिडिल क्लास के जैसे प्रीडोमिनेंटली देखें अभी भी बहुत से मेंबर्स हैं वो हायर कास्ट के ही हैं, एंड इसलिए एलिटिस्ट भी एलिटिस्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली हायर कास्ट के होते ही. एंड तो इसीलिए जो सरकार की जैसे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके कारण अभी SC ST कम्युनिटी बढ़नी शुरू हो गई है मिडिल क्लास में. ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगेन संजय जोशी का पॉइंट, हेट्रोजेनिटी इंक्रीज हो रही है, रीजन वाइज भी एंड रिलीजन वाइज भी एंड कास्ट वाइज भी. ठीक है, आपने बताना ये. ओके,
ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है मिडिल क्लास पे, ये बताइए। साइज इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। एंड देन डेवलपमेंट, जो जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स, लेट्स से कि अभी जैसे हमारा देश पहले एकदम गरीब मरा कुचला होता था कि एकदम पतले पतले सब शरीर, अभी देखिए कैसे ओबेसिटी हैज़ बिकम ए प्रॉब्लम इन अर्बन सेंटर्स। ओबेसिटी क्यों हो रही है? क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं इट्स बिकम ईजियर टू एक्सेस फूड, है ना। फूड में जो फूड जो आपके ये वाले जैसे फास्ट फूड के अलावा भी बाकी अब एक्टिविटी वगैरह, अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज ने दे आर डन बाय मशीन्स ऑटोमेटिकली घर बैठे, तो एंड सभी के पास कन्वीनियंस है जैसे भी है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेटर्स जो हैं ये दिखाते हैं कि मिडिल क्लास का असर पड़ रहा है इन सब जो डेमोग्राफी एंड डेमोग्राफिक जो इंडिकेटर्स पर। ओके, सुहास पाचीकर अगेन, ये क्या बोलते हैं, कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा तो बुर्जुआ क्लास डिपेंडेंट हो जाएगी। MNS क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में कहते मिडिल क्लास का आना ही ग्लोबलाइजेशन का नतीजा था, क्योंकि ब्रिटिश आए थे, है ना। ब्रिटिश तो निकले थे सारे, वो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब ब्रिटिश निकले अपने, मतलब जो यूरोपियंस निकले दुनिया भर में अपना सामान बेचने के लिए, तो वो कहते इंडिया में तो मिडिल क्लास राइज ही उसके कारण हुआ। एंड अगेन हमने देखा योगेंद्र सिंह क्या बोलते हैं कि विद टाइम, तो देखिए अगर मिडिल क्लास होमोजेनाइज हो जाएगी एंड कल्चरल आइडेंटिटी लेकिन मेंटेन रखते हैं, जिस रीजन से आते हैं जिस रिलीजन से आते हैं उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। एंड मतलब गिवन कि जैसे हम, क्योंकि हम अगेन जो होमोजेनाइजेशन क्यों हो जाएगी, क्योंकि होमोजेनाइजेशन हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ बीइंग कंज्यूमरिस्ट, ठीक है, कंज्यूमर ड्रिवन, यूटिलिटेरियन ड्रिवन, ठीक है, ये वाली बात। एंड हेट्रोजेनिटी मेंटेन रहेगी क्योंकि कल्चरल आइडेंटिटी डिफरेंट है, उसको दे कीप होल्डिंग ऑन टू दैट, बट हमने एट द सेम टाइम उसको काउंटर करना होगा आपने, इफ यू वांट टू काउंटर इट, तो आप हमेशा राजेश कोचर का वो पॉइंट डी नेशनलाइज्ड मिडिल क्लास यू कैन ऑलवेज कोट, ठीक है, कि अपनी आइडेंटिटी छोड़कर भी दे मूव ऑन टू न्यूअर प्लेसेस, डी नेशनलाइज्ड है। ओके, एंड देन ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोकलाइजेशन हो रही है क्योंकि मिडिल क्लास बहुत ही ह्यूज है। हमने एग्जांपल भी देखा, मैकडॉनल्ड्स ने अपना लोकल मेन्यू बनाकर यहाँ पे इंडिया में लोगों को खिलाना शुरू कर दिया है, अभी से नहीं करा, 10-12-15 साल हो गए। एंड देन उसके बाद सिविल सोसाइटी इंक्रीज हुई है तो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, लेकिन मिडिल क्लास अब क्या है, एम्बिशियस है, एंड उसके कारण एम्बिशन के कारण फैमिलीज़ की न्यूक्लियराइजेशन हो जाती है, क्योंकि फैमिलीज़ को माइग्रेट करना पड़ता है बच्चे पढ़ लिख लिए, तो दे हैव टू मूव टू सिटीज़, तो सिटीज़ में जाएंगे तो फैमिली न्यूक्लियराइज हो जाएगी एंड डी नेशनलाइज हो जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली कंज्यूमरिज्म भी इंक्रीज होता है क्योंकि EMIs एक्सेट्रा वगैरह सभी इसी का ही देन है। तो इन लाइन्स पर आप मिडिल क्लास को थोड़ा स्टडी कीजिए, मिडिल क्लास के बारे में पॉइंट्स सीख लिए, 10-12-15 पॉइंट्स होते हैं। एंड उसके बाद फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमने देखा वुमेन एंड मेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मैरिजेस कैसे चेंज हो जाती हैं इसके बारे में बात करें, तो इतना मुश्किल नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक है ऐसे मिडिल क्लास पढ़ने के लिए, लेकिन पॉइंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं याद करने, 10-12-15 पॉइंट्स हैं, लिखिए साइड में एंड उसको दो तीन बार पढ़ लीजिए, हो जाना चाहिए याद, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है दोस्तों। ओके, बाकी अभी कुछ मैं एक चाह रहा था पॉपुलेशन डायनामिक शुरू करूं एंड उसके पहले, लेकिन कुछ अगर छोटे छोटे टॉपिक्स अगर फटाफट से निकल रहे हैं तो मे बी इवन आई विल फिनिश दोस, ठीक है दोस्तों। तो 3 या 4 दिन और हैं एंड देन विल वाइंड अप आवर पेपर 2 एंड आई विल स्टार्ट अपलोडिंग पेपर्स एज वेल, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं आपको पहले कंटेंट डिलीवर कर दूं बहुत रैपिडली, और क्योंकि पेपर तो आप जैसे लिख ही रहे हैं अपनी अपनी स्पीड पर, और लेकिन कंटेंट अगेन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड अगेन आई रिपीट, 8th से 9th को अगर आप दिल्ली में हैं तो पेपर पक्का लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलो मिलेंगे जल्दी ही, बहुत ही जल्द, आप सभी से पेपर अच्छे से खत्म कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, आखिरी 20-25 दिन है एंड दे कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। ओके, बाय बाय।